नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, ये ऑडियो एम्पलीफायर हमने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था, आप देख सकते हैं इस ऑडियो एम्पलीफायर को। इसमें हमने ये एक वॉल्यूम रेगुलेटर लगाया है और एक स्विच, और ये यहाँ पर LED हैं, और ये दोनों स्पीकर के कनेक्शन के लिए और ये पावर के कनेक्शन के लिए, और ये हमारे ऑक्सीबल हैं। इस ऑडियो एम्पलीफायर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेस्टिंग करके आपको बताएंगे और डायग्राम भी इसका बताएंगे। तो पहले आपको इसके डायग्राम के बारे में बता देते हैं। तो गाइज, ये है इसका डायग्राम, आप देख सकते हैं इस डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने इसके कनेक्शन कैसे किए थे। पिछली वीडियो में आपको इसके कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं बता पाया था, तो इस वीडियो में आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा। ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर है, और ये हमारा वॉल्यूम रेगुलेटर, और ये SPST स्विच हैं, और ये यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया है, और ये हमारी एक LED है। तो गाइज, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें स्पीकर के वायर कौन से हैं। ये दोनों हमारे स्पीकर के वायर है, और ये दोनों पावर सप्लाई, और ये ऑडियो इनके वायर हैं। तो इन सब के कनेक्शन के बारे में जानने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑडियो इनके कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज़, ऑडियो इनके आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दो वायर आपको दिख रहे हैं। ये दोनों वायर हमारे वॉल्यूम रेगुलेटर से हमें कनेक्ट करने हैं। तो ये जो ऑडियो इनका पहला वायर है, ये हमने वॉल्यूम रेगुलेटर की पहली पिन पर सोल्डरिंग किया है। हम देख सकते हैं पहला वायर पहली पिन पर, और जो सेकंड वायर है वो हमने तीसरी पिन पर लगाया है। आप देख सकते हैं पहला वायर तो पहली पिन पर, और दूसरा वायर तीसरी पिन पर। पहला वायर पहली पिन पर और दूसरा वायर तीसरी पिन पर, आप देख सकते हैं इन दोनों के। और ये जो हमारा 3.5 mm का JK, इसके कनेक्शन में आपको बताता हूँ। इसका जो ये पहला वायर है, आप देख सकते हैं ये पहला वायर, ये हमने वॉल्यूम रेगुलेटर की तीसरी पिन पर सोल्डरिंग किया है, और ये जो दूसरा वायर है, ये हमने वॉल्यूम रेगुलेटर की दूसरी पिन पर सोल्डरिंग किया है, आप देख सकते हैं। और अब हम पावर सप्लाई के वायर के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वायर है, और ये हमारा नेगेटिव वायर है। तो जो ये हमारा नेगेटिव वायर है, यहाँ से होता हुआ सबसे पहले जो है हमारा जो SPST स्विच हैं उसके आउटपुट, और ये हमारे दोनों LED के पॉजिटिव वायर हैं, और ये हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव वायर सबसे पहले यहाँ से जो हमारा SPST स्विच है, जो उसकी आउटपुट निकलती है, वहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं इस नेगेटिव वायर को SPST स्विच की आउटपुट से हमने कनेक्ट किया है, और जो इस नेगेटिव वायर से हमने रेजिस्टेंस से होता हुआ LED के नेगेटिव वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट किया है। बीच में हमने रेजिस्टेंस लगाया है, और जो ये हमारे एम्पलीफायर का पॉजिटिव वायर है, यहाँ से होता हुआ आता है, और यहाँ पर बीच में हमने इस पर LED का पॉजिटिव पॉइंट भी सोल्डरिंग किया है। LED का पॉजिटिव पॉइंट और ऑडियो एम्पलीफायर का पॉजिटिव पॉइंट दोनों के साथ जोड़ा है, और इस स्विच में हमने नेगेटिव वायर को कनेक्ट किया है LED के और ऑडियो एम्पलीफायर के नेगेटिव वायर को। और जो ये वायर है, ये पॉजिटिव वायर, ये हमारी पावर सप्लाई का पॉजिटिव वायर होगा, जिसको हम 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक और इनपुट दे सकते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई है यहाँ पर, और ये जो हमारा नेगेटिव वायर है, ये हमें SPST स्विच के जो हमें इनपुट देनी थी वहाँ पर हमें जोड़ना है। आप देख सकते हैं SPST स्विच के हमने इसको लगाया है। SPST स्विच में जहाँ पर इनपुट दी जाती है वहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया है। और ये जो हमारे स्पीकर के वायर हैं, इसके कनेक्शन तो बहुत इजी है, ये सीधे स्पीकर से कनेक्ट होंगे, तो आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइज़, ये रहा हमारा ऑडियो एम्पलीफायर।
सबसे पहले जो ये हमारे पास इसके पावर सप्लाई के जो वायर हैं आप देख सकते हैं, ये वाइट वाला वायर जो है ये पॉजिटिव वायर हैं, ये पॉजिटिव, और ये ब्लैक वाला नेगेटिव वायर हैं। तो इन दोनों पर जो है हमारी इनपुट के वायर हैं, ये लाल वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव, इन दोनों को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। ये जो वायर, इसको मैं थोड़ा सा छील लेता हूँ। तो अब हम इसको नेगेटिव के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारी पावर ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिसे अब हम स्विच ऑन करेंगे, हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। तो आप देखिए, जैसे मैंने स्विच ऑन किया, हमारी एलईडी जल चुकी हैं, ये ग्रीन एलईडी आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से ये हमारी जल चुकी हैं। ये हमारे पास स्पीकर हैं, इसको हम इस एम्पलीफायर से बजाएंगे। और ये जो हमारे पास पिन हैं जिससे हम स्पीकर के कनेक्शन करेंगे, इसको हम इसमें लगा देते हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों पिनों को यहाँ पर लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा भाग है, इसको हम स्पीकर के वायर के साथ कनेक्ट में कर लेते हैं। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। इनको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से कनेक्ट किया है। अब हम इसको वापस चालू कर लेते हैं और ये सब वायरिंग आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर। और ये जो हमारी अब ऑक्स पिन है, इसमें हम ये जो NCS का गाना है ये प्ले करेंगे। तो गाइज, अब मैंने इसमें गाना प्ले कर दिया है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी नई मज़ेदार वीडियो के साथ।